MSCC Rajnagar. MSCC Rajnagar. MSCC Rajnagar. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्नों को हल करने सीखने से पूर्व हम द्विघात समीकरण के बारे में कुछ समझ लें। ये द्विघात समीकरण के बारे में आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसका सबसे बड़ा घात टू, एक समीकरण में दो घात भी हो सकते हैं, तो दोनों में अगर सबसे बड़ा टू है तो विघात समीकरण है अर्थात नहीं। विघात समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध विघात समीकरण, शुद्ध विघात समीकरण और दूसरा अशुद्ध, अशुद्ध या मिश्रित कह सकते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के हुए, शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा अशुद्ध या फिर मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? तो जिस द्विघात समीकरण में शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, किसे कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन के रूप में ले लें तो इसका आंसर हो जाता है, जिस द्विघात समीकरण में, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि, अज्ञात राशि माने चर मान, अज्ञात राशि अर्थात चर, अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में रहती है, केवल वर्ग के रूप में रहती है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² बराबर 18 या फिर 2x² माइनस 18 इक्वल 0, इसमें अज्ञात राशि जो है वो वर्ग के रूप में है, जबकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध द्विघात समीकरण में b बराबर 0 होगा, क्योंकि b बराबर 0 रहेगा, यहाँ पर हम 0 से गुणा करेंगे x को तो ये 0 बन जाएगा, तो ये पूर्ण अज्ञात राशि जो है पूर्ण वर्ग के रूप में है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये अचर है तो अचर तो उधर चला जाएगा, तो अज्ञात राशि पूर्ण वर्ग के रूप में है, ये शुद्ध समीकरण है और शुद्ध समीकरण में b बराबर 0 होगा। और अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये देखिए, अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा जिस द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि वर्ग के रूप में ना हो, वर्ग के रूप में ना हो या वर्ग के रूप में एक पद हो मगर
दूसरा पद वर्ग के रूप में ना हो, वर्ग के रूप में ना हो। कहने का तात्पर्य है जो कि विघात, ऐसा विघात समीकरण जिसमें एक पद वर्ग के रूप में हो लेकिन दूसरा ना हो, तो वह मिश्रित या फिर अशुद्ध विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे विघात समीकरण के प्रारूप के हिसाब से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्ग के रूप में नहीं है, तो ये वर्ग के रूप में नहीं है तो ये मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। और यहाँ पर b बराबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि b बराबर जीरो होने से ये जीरो बन जाएगा और इसका वैल्यू कुछ नहीं है, ये हट जाएगा, तब केवल ये रह जाएगा और ये वर्ग के रूप में है। अचर पद को हम उधर भेज देंगे तो ये वर्ग के रूप में है, तो ये शुद्ध समीकरण हो जाएगा, इसीलिए b बराबर जीरो नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस दोनों तरह के द्विघात समीकरण को हम किन किन विधियों द्वारा हल कर सकते, पूर्ण वर्ग विधि समझना है, इसीलिए हम अन्य विधियों की चर्चा अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे और पूर्णतः आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। ये एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3, 2x² -7x +3 = 0। ये द्विघात समीकरण है और इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, तो अस्तित्व है या नहीं है इसकी जानकारी हमें इसका विवेचक निकाल करके कर सकते हैं। तो इसमें a जो है वो 2, b -7 c 3, तो d बराबर विवेचक या विभिक्त कर कह सकते हैं, बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -7, तो -7 के स्क्वायर -4, a है 2 और c है 3, तो ये -7 × -7 बराबर 49 और 4 × 8 = 24, तो 49 में से 24 गया तो 25, 49 में से 24 गया 25, तो d जो है 25 है और इसका कंडीशन है ही होगा, एक ही मूल निकलेगा और अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो डी अगर, ये ध्यान रखना होगा, डी यदि छोटा है 0 से तो क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक। अगर डी बराबर है 0 का तो वास्तविक, वास्तविक एवं समान, माने एक ही सेम मूल, एक ही मूल निकलेगा, दोनों सेम होगा। और डी अगर बड़ा रहेगा 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, एवं असमान माने अलग अलग, दो मूल दोनों अलग अलग निकले। तो ये हमें याद रखना होगा कि डी निकाल करके हम बता देंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 0 से छोटा रहेगा तो अस्तित्व नहीं है, 0 है या फिर 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है। तो यहाँ पर अस्तित्व है, आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे बनाना होगा। तो क्वेश्चन था 2x² -7x +3 = 0। हम आपको पूर्ण सरल विधि द्वारा पूर्ण वर्ग विधि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप एक बार वीडियो देख करके पूर्ण वर्ग विधि सीख जाएंगे। तो
तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। तो आप सबसे पहले कभी भी किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं तो प्रत्येक पद को 2 से भाग कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट 2 से प्रत्येक पद को आप भाग करो। देखिए हमने किया, 2 से ये 2 कट गया, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये बाबू 0 है तो ये तो कटेगा ही, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब इस पूर्ण वर्ग विधि में हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने हेतु इसको क्या करना होगा, इसमें कुछ जोड़ना होगा, जो जोड़ेंगे उसी को घटा देंगे जिससे कि इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो क्या जोड़ें, यहाँ पर हम इसमें क्या जोड़े, तो यही साइड में समझिए, इसमें आपको जोड़ना है -b/2a² तो b क्या है, तो b है -7/2, b कितना है -7/2 और a कितना है, तो a कुछ भी नहीं 1 है, तो इसका बटा 2 × 1, तो ये हो गया -7/2² तो 7×49/16, ये हम जोड़ देंगे और इसी को घटा देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, इसमें जोड़ दिए 49/16 घटे 49/16 इक्वल 0, हमने यही जोड़ा यही घटाया, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, तो ये पद ये चर ये दोनों चर और जो जोड़े हैं उसको एक साथ लेंगे, बाकी को उसी के साथ अलग लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 इसको एक साथ कर लिए और बाद बाकी जो 3/2 है माइनस 49/16 है इसको एक साथ कर लिए बराबर 0। अब इसको आप चेंज करो इसके रूप में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, इसको सरलतम रूप से चेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बी के जगह पर 49/16 है तो इसको आप 7/4² लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में आप -2ab तो -2a आप बंद करके एक्स और बी तो 7/4, आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, तो 2 जाकर जाएगा तो 7/2x वैल्यू सेम है, इट मीन्स हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो ये एक साथ हो गया है, ये एक साथ हो गया और इसको घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 16 × 2 = 8 + 24 16 × 16 = 49 = 0, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इट मीन्स ये किस फॉर्मूला पर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर 7/4 इसका होल स्क्वायर प्लस ये घटा करके हो गया -25/16 = 0, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, इधर माइनस है क्योंकि ये माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7/4² = 25/16। अब इधर आप जो है कि स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो एक्स माइनस 7/4 = √25/16, क्योंकि रूट में से इसको निकाले तो 5×5 = 25, 6×16 = 5/4 हो गया, तो एक्स बराबर जब ये रूट में से निकलेगा तो प्लस माइनस लिखाएगा, क्योंकि प्लस वाले को भी गुना करेंगे तो इतना ही होगा वर्ग करेंगे तो, माइनस वाले को भी वर्ग करेंगे तो उतना ही होगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिखना होगा। अब हम इस -7/4 को उस साइड भेज देंगे, तो एक बार ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, तो देखिए जब प्लस है तो 5/4 में जुड़ जाता है ये जाकर के 7/4, तो 4×4 = 4, 4×5 = 4, तो 5×5 = 5, 6×7 = 7, तो 7×7 = 7, 7×5 = 12 कट गया बराबर 3, ये आ रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, ये 5/4 को प्लस के रूप में लिया और ये
इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो एक मूल निकल गया 3। अब जब हम 5/4 को माइनस के रूप में लेंगे तो -5/4 और ये जाके 7/4 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 7/4 इसका LCM 4, तो 4 × 4 तो -5 को 1 से गुणा किया -5 प्लस 4 × 4 तो 7 × 7 ₹5 खर्चा, ₹7 आमदनी, ₹2 बच गया बट्टा 4 काट दिए 1/2, दूसरा मूल भी निकल गया। तो देखिए कितना सिंपल है ये पूर्ण वर्ग विधि। तो एक बार इसको डिवीजन के रूप में लें, 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है और इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो इसको सबसे पहले हम प्रत्येक पद को 2 से भाग कर देते हैं और हमने कर दिया। भाग करने के उपरांत समीकरण का ये रूप हमें प्राप्त होता है। अब इसको इसमें हमें कुछ जोड़ना है, जो कुछ जोड़ेंगे उसी को घटाएंगे, ये क्रिया हम करेंगे इसे पूर्ण वर्ग बनाने हेतु, क्योंकि इसे हमें ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है, और उस रूप में लाने से पूर्व इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लाना होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लाने हेतु हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं और उसी को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो भाई जोड़ना तो वही जो जोड़ना है उसी को घटाना है। तो क्या जोड़े, कुछ भी जोड़ दें क्या? तो कुछ भी नहीं जोड़ना है। जोड़ना क्या है, -b/2a हमें जोड़ना है। तो -b/2a के होल स्क्वायर हमें जोड़ना है। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि माइनस बी क्या है, तो माइनस के माइनस तो रहे करेगा, माइनस के माइनस तो रहेगा ही। ये देखिए ये माइनस नहीं रहेगा, b/2a के होल स्क्वायर हमें जोड़ना है। तो b/2a, तो b क्या है, b है -7/2, तो -7/2 दे दिए वैल्यू। उसके बाद 2a, तो 2a है, तो a है 1, तो a के जगह पर 1 देने पर 2। अब इस -7/2 ये 2/2 कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भाग को गुणा में बदले तो 1/2 हो गया, तो -7/4 के होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटाए तो 49/16 हो गया। तो 49/16 जोड़ेंगे और उसी को घटा देंगे। तो क्या जोड़ना है, 49/16 कैसे निकला, तो b/2a के होल स्क्वायर करने पर, और उसी को घटा देना है। अब अगले लाइन में हम ये दोनों चर को और जो जोड़े हैं उसको एक साथ ले लेंगे, बाद बाकी जो बच गया उसको एक साथ रख लेंगे। अब इसको हमें a स्क्वायर माइनस माइनस है तो -2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो a x स्क्वायर है तो ऑलरेडी a स्क्वायर के रूप में है, इसको b स्क्वायर के रूप में कर लेंगे, तो 49/16 है, तो 7 × 49 4 × 16 तो 7/4 के स्क्वायर कर दिए, a बन गया b बन गया। तो यहाँ पर 2ab लिखना है, तो 2 a यहाँ से दे दिए, b यहाँ से दे दिए, इसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए। तो हल करने पर दोनों सेम है, इतनी समझो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको भिन्न घटाओ की प्रक्रिया यहाँ कर रहे हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये एकदम बिल्कुल है, तो इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखे हैं, प्लस ये हो गया -25/16। अब इसको हम उस साइड भेज दिए तो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। अब इधर का हम स्क्वायर को उधर भेज दिए तो इधर का स्क्वायर उधर गया, तो उधर जाके रूट में रूट लग गया, और रूट में से बाहर निकला तो 5/4 हुआ। 5/4 को हम प्लस माइनस दोनों रूप में लिखे हैं, इसीलिए कि रूट में से कोई संख्या निकलने पर वो जो है प्लस माइनस दोनों रूप में लिखी जाती है। तो x बराबर, अब इधर के हम -7/4 को उधर भेज दिए तो उधर जाके प्लस हो गया, और प्लस होकर के 12/4 आया, जिसको काटने पर 3 हुआ, तो ये प्रथम मूल निकल गया।
तो इधर 5/4 हम प्लस के रूप में लिए थे, दूसरी बार हम माइनस के रूप में लिए, और इधर 7/4 उधर जाके जुट गया, तो जुट गया तो ये भिन्न जोड़ करने पर हमें 1/2 प्राप्त हुआ, ये दूसरा मूल हुआ। हमारा दोनों मूल स्पष्ट है और यही पूर्ण वर्ग विधि है, कहीं पर भी कठिन नहीं है। आप समझने के उपरांत यही कहेंगे कि ये इजी है, इजी है तो फिर क्या बात है।